खबर देहरादून से, सत्ता के वास्ते घर वापसी के रास्ते। बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य में आगामी वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण में कई बदलाव देखे जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के कई वरिष्ठ नेताओं के सुर इन दिनों बदले से नजर आ रहे हैं, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। देखिए, हमारे संपर्क में कोई नेता अभी नहीं है, उनके सुर क्यों बदलने हैं, क्यों इस तरह की बात करें, ये वही कह सकते हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है, कभी भी हो राजनीति में एक शिष्टाचार की सीमा होनी चाहिए, एक शिष्टाचार बना रहना चाहिए। व्यक्ति को एकदम किसी पर व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाने चाहिए कि वो राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन कहाँ चला जाए। संभावनाओं का खेल होता है राजनीति, कहीं पर भी कोई जा सकता है। लेकिन जब भी अगर ऐसी स्थिति आए, कम से कम किसी भी राजनेता को अपने शब्दों को थोड़ा तोल मोल के बोलना चाहिए, संभल के बोलना है कि जो नेता हमारे सामान्य अपना शिष्टाचार दिखा रहे हैं, उन्हें देख के कांग्रेस के बहुत सारे नेता हमारे यहाँ सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि मैंने कहा है पिक्चर अभी बाकी।